मध्य प्रदेश से बता देते हैं, बीजेपी आज मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के पहले विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है, जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि देश के विभाजन की विभीषिका ने लाखों परिवारों को अपनी जन्मभूमि से अलग कर दिया था और हजारों लोगों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी को श्रद्धांजलि जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस त्रासदी की स्मृतियां आज भी असंख्य लोगों के लिए बुरे स्वप्न से कम नहीं है। यह दिवस हमें जागरूक करता है कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लें। मां भारती के प्रति हमारा समर्पण ही विघटनकारी तत्वों का समूल नष्ट करने में प्रभावी सिद्ध होगा। तो देखिए, पूरे देश में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में भी इसे मनाया जा रहा है और इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज, क्या कुछ तैयारी है विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर, क्या कुछ कैसे मनाया जा रहा है इसे, क्योंकि सीएम ने भी पोस्ट किया है और दुख जताया है इस पर? देखिए प्रतीक्षा, निश्चित तौर पे आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है और तमाम जगहों पे प्रदर्शनी लगाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि जब विभाजन हुआ था तो देश में कितने लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। 14 अगस्त 1947 का वही दिन था जब भारत के एक हिस्से को अलग करके पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया था। उस विभाजन में ये कहा गया था कि जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जा सकते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं हिंदुस्तान में रह सकते हैं। उसी को याद करके आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा और उसमें प्रदर्शनी लगाई जाएगी, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी किस तरह से विभाजन विभीषिका का जो वो था विभस्त, कितने लोगों ने मतलब जान अपनी दी थी। साथ में पूरे जिले मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में तमाम नेताओं को ये दिया गया, साथ में कलेक्टरों को भी गाइडलाइन जारी की गई है कि विभाजन विभीषिका दिवस को हर जगह मनाएं और लोगों को बताएं कि किस तरह से विभाजन की विभीषिका थी। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, तो किस तरह से विभाजन की विभीषिका लोग झेल रहे हैं। आज ही के दिन 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था और कुछ लोग जो है भारत के जो ही हिस्सा रहे वो अब पाकिस्तान में है और इसी को लेकर 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में भी इसे आज मनाया जाएगा।